तो आज मसीता वाली अड़कन है, एक गाड़ी के अंदर सिलेंडर भरती टाइम आग लागी, और आग इतनी तेज गति में लगी है कि पूरी गाड़ी वीडियो के अंदर थे देख सको, पूरी गाड़ी है बात जल गई। और तुरंत तो दुकानदार और आसपास का ग्रामीण है मौके पर, आग पर तो काबू पा लियो, लेकिन गाड़ी है बा एक गाड़ी पूरी तरीके है बा जल भी गई। तो देखो इन पे इन पर थारी की राय है, राय भी थे जरूर देगा। और चैनल पर यदि नया हो तो बिन सब्सक्राइब कर लियो, ताकि हनुमानगढ़ जिले की देसी खबरें भी थाने मिलेगी। तो आज भादरा विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया प्रदेश की मातृभाषा राजस्थानी भाषा ले गए, विधानसभा के अंदर खींच के बात रखी है कि राजस्थानी भाषा ने है मान्यता दी जावे और राजभाषा को दर्जो भी दियो जावे। क्योंकि लंबे टाइम है आ मांग उठ रही है कि राजस्थानी भाषा ने राजभाषा को दर्जो भी मिलना चाहिए और इन राजभाषा को संरक्षण व संवर्धन भी करो जावे, आ बात विधानसभा के अंदर रखी है। और राजस्थान प्रदेश के लिए भी आपा केस कहा कि मातृभाषा ने राजभाषा को अगर दर्जो मिल जाए तो पूरे प्रदेश के लिए एक सौगात भी होगी। बाकी यहीं पर थारी की राय है, राय भी थे जरूर देने की कोशिश करियो। पढ़ाई लिखाई जो हमारे गिरी जी अपनी भाषा अपने प्रांत में ऊपरी होगी, सभापति महोदय गोवा की कोंकणी मान्यता सु पहली राजस्थानी भाषा बन गई, झारखंड में मगही भोजपुरी समेत 17 भाषावा, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मेघालय में खासी और गारो, सिक्किम में भूटिया और लेपचा, पश्चिम बंगाल में खमतपुरी, अरे राजवंशी इसी भाषावा है जिकी बिना संवैधानिक मान्यता गई राजभाषा बनाई जगी। इस यूं अब आज सिद्ध हुए कि कोई भी राज्य अपने राज्य की भाषा ने बिना संवैधानिक मान्यता का भी राजभाषा को दर्जो दे जा सके। राजस्थान में और भाषावा पढ़ेगा प्रतिभागी नौकरी लागे, पर राजस्थानी पढ़ेड़ाई कोई मौको कोनी, वो अन्याय है। राजस्थानी ने बेंगी सुबेंगी राजभाषा को दर्जो दियो जानो चाहिए, सागे स्कूल और कलेजा में राजस्थानी विषय को विस्तार करनो चीज है, हमारी सदन शु मांग। मैं अपनी बात कुछ